लस्सी इंडिया का फेवरेट आइटम है। वृंदावन मथुरा दूध दही के लिए जाना जाता है। वाराणसी एक्सलेंट लस्सी है। दोनों को ही मैंने चखा और दोनों के बारे में अब कवरेज करूंगा। आप डिसाइड करिए आपको कौन सी पसंद है। लस्सी जो वाराणसी में थी उसमें गार्निशिंग रबड़ी, मावा, दूध रिच खाना है वहां पे। लेकिन अगर उलट हम यहां देखें वृंदावन, बरसाना, मथुरा, यहां पे सुकुलेंट मतलब फ्रेश क्रीम, दही, इनकी गार्निशिंग और साथ में फ्रेश फ्रूट की गार्निशिंग है जो कि इसको बहुत सुंदर बेहतर बनाती है। मेरा लस्सी का ये प्रिया जी मिष्ठान, श्री प्रिया जी मिष्ठान। ये जैसे आप उतरेंगे गेट से तो आपको ये सामने दिखाई देगा, आप जरूर आवे क्योंकि बहुत बढ़िया लग रही है देखने में। और अभी मैं इसको लेता हूँ, इसके बाद बताता हूँ कैसी है। मथुरा में और वृंदावन में हम बाल रूप की पूजा करते हैं श्री कृष्ण भगवान की, थोड़ा सा चाइल्डिश रहता है। और व्यूअर्स आप भी कमेंट करके बताइए क्या मेरा सोचना सही है, क्योंकि यही मुझे दिखता है और बहुत ही प्यारा है। भाई पैसा नहीं है ना, कुछ नहीं है ना पैसा उसका। बहुत अच्छा है। जैसे मैंने पहलवान की लस्सी टेस्ट की थी वाराणसी में, अब यहाँ पे श्रीप्रिया इनके पास की लस्सी टेस्ट कर रहा हूँ। बड़ी क्रीमी है। मैं अक्सर पसंद करता हूँ क्योंकि सबसे पहले लस्सियों को का स्वाद मैंने यहाँ पे लिया था 4 साल पहले, और अब एक्सीलेंट टेस्ट है, अच्छा टेस्ट है और बहुत ही बढ़िया है। और ये भारी नहीं कर रही है ऐसा लग रहा है। तो जस्ट नीचे मैं उतरा हूँ और मैं टेस्ट है सेकंड सर्विंग और इट इज वेरी क्रीमी एंड वेरी रिच। आई वुड रिकमेंड यू टू कम ओवर हियर एंड टेक इट। डू नॉट फॉरगेट अबाउट इट। वंस यू गेट डाउन टेक द लस्सी एंड इफ यू वांट टू गो डाउन यू कैन टेक अ इंडियन स्नैक्स। But I won't recommend you to take a snacks from here. Better you take it from stalls near the Baki Bihari. मैंने सोचा आपके साथ इसको शेयर भी करूं और मैं श्योर हूं कि स्वाद बहुत ही बेहतर है। और आप देखिए बिल्कुल फ्रेश बना रहे हैं। और यहां पे नाना प्रकार के स्ट्रीट फूड के स्वाद आपको मिलेंगे। मैंने अभी कचौड़ी बगल की लस्सी बगल के पहलवान कॉर्नर से लिया है, अच्छी थी, बहुत चीप है और बहुत ही अफोर्डेबल है। मैं बैंगलोर या कोई भी मेट्रोपोलिस में लेता हूँ तो इट्स वेरी कॉस्टली और टेस्ट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत प्रेम के साथ बना रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? यादव। बोला चलो एक बार देखते हैं कि इसका स्वाद कैसा रहता है और लेने के बाद मैं आपको फिर बताता हूँ क्या करना है। आप देख सकते हैं तो व्यूअर्स देखिए, मैंने ये सेकंड स्टॉल पे इस लस्सी को ट्राई किया है और मैं इसको स्टिर कर रहा हूँ, देखता हूँ कि स्वाद कैसा निकल सकता है। टेक्स्चर तो बहुत अच्छा है, तो मैं आपको बताता हूँ। जो स्वीटनेस है वो भी बैलेंस है और टेक्स्चर भी काफ़ी क्रीमी है। और ओवरऑल आप ऊपर एक चौड़ी की फ्लेयर देख सकते हैं। ये जो लेयर है यही इसको रिच बनाती है और यही इसका स्वाद भी बढ़ाएगी। तो मुझे लगता है कि यार ये वर्थ है और कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, 60 रुपये की है। जबकि मेट्रोपोलिस में जहाँ पे भी कहीं लेते हैं तो ये काफ़ी कॉस्टली होती है, बट इट्स गुड।